हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम घनश्याम सर की 220 सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि आपको इसमें अपनी एंट्री कैसे बनानी है एंड ये किस तरीके से वर्क करता है। सेटअप को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर बताना कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हमें इसको बैंक निफ्टी के अंदर यूज़ करना है और जो हमारा टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर 5 मिनट का रहने वाला है। तो सेटअप का नाम है 220। तो हमें जो 220 की जो कैंडल है उसको यहाँ पर मार्क करना है। अगर अब यहाँ देखें तो ये कैंडल 2:20 की कैंडल है। हमें इसके हाई एंड जो इसका लो है उसको मार्क कर लेना है। एंट्री की अगर बात करें तो अगर कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। बट इस केस के अंदर इसका हाई ब्रेक हुआ है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। जब यहाँ पर ये क्रॉस होगा तब उसके अंदर अपनी एंट्री बना देनी है, ऐसा हमको घनश्याम सर ने बोला हुआ है उस सेटअप के अंदर। एंड स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो करीब 60 से लेकर 80 पॉइंट के बीच में रहेगा, या फिर आप एंट्री कैंडल का जो लो है वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, यानी कि इस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो। एंड टारगेट की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर कोई भी फिक्स टारगेट नहीं बोला है। अगर आप उनका 220 का वीडियो देखो तो उन्होंने ऐसे मार्क किया हुआ है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर गया है तो मार्केट ने यहाँ पर 130 पॉइंट के आसपास का हाई लगा दिया है, तो आपको यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पर कोई भी फिक्स टारगेट नहीं है, आपको अपने इमोशंस के हिसाब से यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल 2:20 की कैंडल है। हमें इसके हाई एंड इसके लो को मार्क कर लेना है। यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होता है इस कैंडल के अंदर तो आपकी एंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी। करीब इस पॉइंट के आसपास आपकी एंट्री होती एंड जो इसका हाई है वो करीब 50 पॉइंट के आसपास का है। तो इसको मैंने लाइव मार्केट के अंदर भी टेस्ट किया हुआ है तो मुझे इसके अंदर एक दिक्कत आती है कि जो इसमें टारगेट है वो यहाँ पर फिक्स नहीं है एंड हमारी एंट्री लेने के बाद हमें नहीं बताया कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा या फिर कहाँ तक नीचे जाएगा। जैसा कि आप इस केस में देखो तो हमारी एंट्री के बाद मार्केट यहाँ पर 50 पॉइंट ऊपर जाता है, बट हमको यहाँ पर नहीं पता है कि मार्केट 50 पॉइंट ही ऊपर जाएगा या फिर उससे ज़्यादा भी यहाँ पर ऊपर जा सकता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम इसके अंदर पीछे देखें तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ये कैंडल 2:20 की कैंडल है, ये उसका हाई हो गया एंड ये उसका लो हो गया। एंट्री की अगर बात करें तो इस केस में इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी एंड इस कैंडल ने करीब 18 पॉइंट का यहाँ पर हाई लगा दिया है। तो हमें यहाँ पर नहीं पता था कि यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर जाएगा या फिर इससे ज़्यादा ऊपर जा सकता था। तो इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो जाता है जो कि करीब इस कैंडल का लो हो जाएगा। तो यहाँ पर टारगेट फिक्स नहीं है। घनश्याम सर एक बहुत ही बड़े ट्रेडर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये जो सेटअप है वो मुझको इतना अच्छा नहीं लगा। इस सेटअप को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।